नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर, बहुत समझदारी भरा लेक्चर लेके आ रहे हैं। अभी तक हमने मोशन एनालिसिस में केवल बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट को किया है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को किया है, आसान तरीके से किया। हर एक पॉइंट को आपको समझाने की हमने कोशिश की है। अगर सारे लेक्चर आप वन बाय वन देख रहे होंगे तो आप एक समझदार एक समझदार स्टूडेंट हो जाएंगे। हर एक बातों को आप समझ पाएंगे कि क्या डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या डिस्टेंस होता है और मोशन किसको कहते हैं। बेसिक तो यही है। तो मोशन हमने जाना, टाइप्स ऑफ मोशन जाना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जाना, वेलोसिटी स्पीड जाना और एक्सीलरेशन जाना। अब एक्सीलरेशन, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये आपका एवरेज भी हो सकता है और इंस्टेंटेनियस भी हो सकता है। तो हमने ऑन एन एवरेज वेलोसिटी भी जानने की कोशिश की, ऑन एन एवरेज स्पीड जानने की कोशिश की। वेलोसिटी वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट चेंज की डायरेक्शन की तरफ होगा। ऐसे एक्सीलरेशन वेक्टर होगा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। एक नया टर्म भी अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो सीखने को मिलेगा जब कैम्स एंड फॉलोअर पढ़ेंगे जर्क के बारे में। जर्क में झटका, झटके मतलब आपने वेलोसिटी को कितने अचानक अचानक से चेंज किया। देखिए वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज एक्सीलरेशन होता है, पर एक्सीलरेशन का रेट ऑफ चेंज जर्क होता है। एक्सीलरेशन का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, जर्क होगा। तो ये सारी बातें हम सब लोग ने एक एक करके सीखा है, कब कौन आएगा, किधर होगा। मतलब आप ये समझिए, कब कौन कब, पहले कि कब आएगा, कौन आएगा, एक्सीलरेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट क्या और किधर आएगा, ये तीन क्वेश्चन आपके दिमाग में होने चाहिए। जब वेलोसिटी का सिर्फ परिमाण बदल रहा हो, दिशा ना बदल रही हो, तब आपका लीनियर एक्सीलरेशन या टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ही आएगा। जब वेलोसिटी का दिशा बदल रही हो, परिमाण कांस्टेंट हो, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो पर डायरेक्शन चेंज कर रहा हो, उस समय आपका क्लियर कट ये है कि उस समय आपका सेंटर की ओर, पाथ के सेंटर की ओर, देखिए अगर कोई सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ है तो उसका सेंटर तो फिक्स होगा, पर अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा पाथ है तो उसका किसी एक पर्टिकुलर जगह पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होगा। उसको हम निकालने की कभी कोशिश करेंगे जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर पढ़ेंगे। तो जब डायरेक्शन बदल रही होगी उस समय सेंटर की ओर एक एक्सीलरेशन आएगा, वो क्या होगा, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। और अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो रहा है तो लीनियर भी आएगा और सेंट्रीपेटल भी आएगा। ये बातें यहां तक हम सब लोग कर चुके थे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए। अब क्वेश्चन सीरीज अलग से डिटेल में होगी, पर कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हुए हम क्लैरिटी समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे अगर कोई पूछे कि भाई डीबी अपॉन डीटी एक्सीलरेशन होता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन देता है। ऐसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जो होगा वो वेलोसिटी को बताएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बताएगा। बात समझ में आ रही। ऐसे अगर एरिया, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया दें तो चेंज इन वेलोसिटी बताता है। ऐसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया देखें तो वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बता दे। ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया। काफी लोग को स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो एक लेक्चर हम डेडिकेट करके स्लोप पर ही करेंगे, फुल्ली स्लोप पर करेंगे। एक लेक्चर स्लोप स्लोप भी पढ़ेंगे हम सब लोग, ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। खैर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको स्लोप की एनालिसिस करना बताया है, बेसिक कॉन्सेप्ट हो चुका है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट 1 एंड 2 और 3, तीन पार्ट हमने दिए, तीनों अगर आप डिटेल में देखें बहुत ही शानदार लेक्चर्स हैं। भले ही शुरुआती लेक्चर थे, हो सकता है उस कॉन्फिडेंस लेवल में हमने ना पढ़ाया हो, पर आपको समझदारी जरूर आ जाएगी, इसकी हम गारंटी लेते हैं। बात समझ में आ। तो अब आगे करते हैं। आगे चलने से पहले आप सब लोग बस इतना करिए, मैक्सिमम स्टूडेंट तक वीडियोस को शेयर करें, सब तक पहुंचाएं भाई, सब पढ़ें तब बढ़ें। ये सर्व शिक्षा अभियान आपको पता ही है, तो इसका भी पता करिएगा जीएस में कि इसको किसने लॉन्च किया, कब लॉन्च किया। सब पढ़ें, सब बढ़ें, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। खैर ठीक है, आओ करके सीखे भी इसी में है, हम सब लोग पढ़ते रहे हैं।
तो आप सब लोग मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, चाहे वो इंटरमीडिएट का स्टूडेंट ही क्यों ना हो, वो चाहे नीट की तैयारी कर रहा हो, चाहे फिर जेई मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहा हो, सब तक आप पहुंचाइए। फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है ये, ठीक है। और इंजीनियर्स के लिए इतना बेसिक तो जानना जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अब हम सब लोग शुरू करते हैं। हमारा अभी का फोकस है रेक्टिलिनियर वन डायरेक्शन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन की ही बात कर रहे हैं। तो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन की बात हो रही, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कोई भी कार की एनालिसिस अगर पूछे कि कार एक सीधी रेखा में जा रहा है, तो उसकी बात करेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन की बात करेंगे। रेक्टिलिनियर मोशन, बात समझ। अब इसी में जैसे कोई बॉल को ड्रॉप कर दिया, अगर छत से बॉल को सीधे ड्रॉप, ये ड्रॉपिंग का केस है ना कि प्रोजेक्शन का। प्रोजेक्ट किए होते तो हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करना या कुछ किसी एंगल पर प्रोजेक्ट करना, इसको जस्ट ड्रॉपिंग का केस है। ऐसे बॉल को उठाया छोड़ दिया तो ड्रॉपिंग का केस हो, क्योंकि ये सीधी रेखा में मोशन होगा। लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्टाइल आपके सीधी रेखा में मोशन नहीं होगा, वो कर्वी लीनियर मोशन होगा। तो ड्रॉपिंग का केस आप पढ़ लिए। या फिर अगर हम बात करें तो किसी इंक्लाइन प्लेन पर किसी एक बॉडी के स्लाइडिंग का केस हो, ये सब रेक्ट एक ही लाइन में मोशन है। किसी एक ब्लॉक के स्लाइडिंग का केस हो, ऐसे ये सरक रहा है, रोलिंग नहीं स्लाइडिंग, क्या बोला हमने, स्लाइडिंग। तो ये सारे केसेस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज के लेक्चर में, यही सब होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर में से है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, पहला केस जो है मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या बोला है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, डायरेक्शन फिक्स है कि हम लीनियर मोशन की ही बात कर। अब देखिए, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, इसका क्या मतलब, अगर कोई बॉडी ऐसे जा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आप सर तुरंत कहोगे सर दिशा भी नहीं बदल रही है, मान भी नहीं बदल रहा है, तो इस केस में एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो। पहला केस है मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मान लीजिए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आप चल रहे हैं, लगातार एक ही वेग से चल रहे हैं, एक ही दिशा में, तो इसका पहला मतलब हुआ कि एक्सीलरेशन जीरो। अब इससे दूसरा मतलब अगर हम निकालें कि अगर ये बी वेलोसिटी से चल रहा है और इसका कुछ यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। अब इसमें डायमेंशन मत पूछिएगा, एलटी माइनस वन होगा। डायमेंशन के बारे में आई थिंक आप सब लोग जानते भी होंगे, मास का डायमेंशन एम होता है, लेंथ का डायमेंशन एल होता है और टाइम का डायमेंशन टी होता है। तो एम एल टी के कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे, ये इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। तो अब अगर ये बी मीटर पर सेकेंड है, इसकी मतलब क्या निकला, इसका मतलब है कि हर सेकेंड ये बी मीटर आगे बढ़ जाता है, हर सेकेंड ये बी मीटर आगे बढ़ जाता है। मतलब एक सेकेंड में कितनी दूरी चलेगा, एक सेकेंड में वी मीटर दूरी चलेगा। ऐसे हम कहें टी सेकेंड में कितनी दूरी चलेगा, तो अगले सेकेंड में भी बी मीटर, अगले सेकेंड में बी मीटर। तो इस केस में अगर हम डिस्प्लेसमेंट पूछें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वी इंटू टी, टी टाइम में चली गई दूरी, टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो वी टी होगा, टी टाइम। अब इसमें ये बात तब, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझ के रखिएगा, एस इक्वल टू वी टी, एस इक्वल टू वी टी तब सही है जब आप अगले सेकंड भी इसी वी मीटर ही चले, अगले सेकंड भी क्या वी मीटर चले। ऐसे टी सेकंड में कितना चलेंगे, तो वी 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 जोड़ेंगे, वी इंटू टी हो जाएगा। ये बात तब सही जब वी क्या हो, कॉन्स्टेंट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोग रट लेते हैं। अब इसी में अगर हम चाल की ये वी निकालें तो वी क्या होगा, एस बाई टी। लेकिन ये तब सही है जब वी क्या हो, कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब एक दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, जब एक्सीलरेशन जीरो हो। जब कभी देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये बात कब है, जब एक्सीलरेशन जीरो हो।
जब वेलोसिटी क्या हो, यूनिफॉर्म। अब समझ में आ गई ना बात, तो हर बार चाल बाउ दूरी बटे समय नहीं बोलेंगे, तब बोलेंगे जब आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो और एक्सेलरेशन जीरो हो। तो पहला केस समझ में आ गया। अब इसमें तीन में से दो दिया रहेगा, एक पूछ लेगा। जैसे कह दिया कि कोई भी गाड़ी 3 मीटर पर सेकंड से 10 किलोमीटर चली तो कितना समय लगा होगा। कोई भी ट्रेन, कोई भी बॉडी जो है वो आपकी 5 मीटर पर सेकंड से चली तो 5 सेकंड में कितना दूर चला होगा। मतलब इसमें तीन वेरिएबल है, SVT। ये बात लेकिन तब सही है जब भी यूनिफॉर्म हो, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में तीन चीजें आपके पास होती हैं, तीन में से कोई दो दिया रहेगा। जैसे दूरी दे दिया, टाइम दे दिया, वेलोसिटी पूछ लिया, वेलोसिटी दे दिया, टाइम दे दिया और डिस्टेंस पूछ लिया। ऐसे अगर आपका वेलोसिटी और डिस्टेंस पूछ लिया, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया, तो टाइम आपको बताना पड़ेगा। पूरी बात समझ में? अब ये बातें फिर से नोट करिए, क्या कब कब वैलिड है ये S=VT? तब वैलिड है जब आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे हो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रहे हो? चल रहे हो। बात समझ में आ गई होगी? तो पहला केस हम मिटा दे रहे हैं, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते रहते हैं जिसको आप इजीली कर लोगे। पहला केस, तो अब आप सब लोग इसको नोट भी कर लीजिए, सब लोग नोट कर लीजिए। दूसरा केस हम सब लोग चलेंगे, तो ये पहला केस हो गया, मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस एक्सीलरेशन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। और ये फीलिंग से भी हमें पता था कि वेलोसिटी का मतलब कि हर सेकंड वी चलेगा, तो टी सेकंड वी इनटू टी चलेगा। तो ये आपका ओके हो गया। इसमें क्वेश्चन कराएंगे, अभी भी आप समझ गए होंगे। मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, अब यहाँ पे वेलोसिटी, सेकेंड केस, मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन आपका क्या है? कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो इसका दूसरा सेंस भी हो सकता है कि जर्क इक्वल टू जीरो। खैर जर्क आप ध्यान रखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन जो होता है वही आपका जर्क होता है। तो ये कभी पूछा जनरली नहीं जाएगा क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर ही पढ़ते हैं। खैर चलिए, तो पहला केस तो हम करा दिए। दूसरा, जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब कि हर क्षण किसी कांस्टेंट इंटरवल में, जैसे मान लीजिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि पहले से, मतलब जीरो से लेकर 1 सेकंड में वेलोसिटी मान लीजिए कि जीरो से वी हो गई, जीरो से 1 सेकंड में वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो से वी। तो 1 से 2 में भी परिवर्तन वी का होगा, अब वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 2 वी हो जाएगी, क्योंकि अब जीरो से स्टार्ट नहीं है, 1 पर वी था और फिर वी बदलेगा, तो क्या हो जाएगा? 2 वी 2 सेकंड पर। और 3 सेकंड पर क्या होगा? 2 वी प्लस फिर वी बदलेगा, तो क्या हो जाएगा? 3 वी। अब देखिए, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब है किसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज कांस्टेंट है। जैसे यहां हमने 1 सेकंड ले लिया, तो कोई भी 1 सेकंड ले लो, चाहे वो 4.5 से 5.5 ले लो, चाहे 5.5 से 6 लो, कोई भी 1 सेकंड में वी वेलोसिटी ही चेंज होगी। तो किसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज कांस्टेंट है, एक्सीलेशन का यही, कांस्टेंट एक्सीलेशन का ही मतलब है। एक्सीलेशन नहीं, कांस्टेंट एक्सीलेशन। अगर आपका एक्सीलेशन कांस्टेंट, मतलब मान लीजिए 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अब 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या? फीलिंग समझिए कि हर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ जाएगी। हर सेकंड 0 से 1 के बीच में जो 0 पर रहा होगा उससे 3 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगा। ऐसे 1 से 2 के बीच में जो 1 पर रहा होगा 2 पर वही आपका बढ़ जाएगा। तो हर सेकंड वेलोसिटी में परिवर्तन समान है, यही आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ। बात अब आप समझ गए होंगे, अब इस पर हम लोग और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सेकेंड केस, एक्सेलरेशन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब बताइए एक्सेलरेशन, अगर डेरिवेशन पर हम जाएं तो एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है dB / dt,
और इक्वल टू होता है डी टू एस अपान डी टी टू इक्वल टू होता है वी डी बी अपान डी एस। ये आपको सबको पता है, ये सारी चीजें सबको पता है, हमने पिछले लेक्चर में हम खुद ही कराए वी डी बी अपान डी एस। ये है। अब यहां पर पहला अगर हम दो ले ले, पहला दो तो ए इक्वल टू होगा डी बी अपान डी टी, या यहां से होगा ए डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू टी, और ये क्या आएगा इनिशियल जीरो पर, मान लीजिए जीरो पर वेलोसिटी यू था और टी पर वेलोसिटी कोई वी हो गया, फाइनल वेलोसिटी वी है, फाइनल वेलोसिटी क्या है वी है और इनिशियल वेलोसिटी यू है, तो ऐसे लिख सकते हैं ए डी टी, इधर ए कांस्टेंट है और इसका इंटीग्रल टी, और कहां से जीरो से टी तक, कोई टी एक जनरल टाइम, और यहां से क्या आएगा वी, इसका आप देखेंगे तो यू टू वी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो यहां से आएगा ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, ए टी इक्वल टू क्या आएगा वी माइनस यू, तो वी इक्वल टू क्या होगा यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। बात समझ में आ गया ना सब, कुछ नहीं करना था भाई, किसी जीरो टाइम पर एक्स कोई भी, अब मान लीजिए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोल रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इसमें कौन सी बात है, हम जनरल लेके चल रहे हैं ना, हम यू लेके चल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से चीजें बदल जाएंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी सिंपली जीरो, तो हमने ऐसे कुछ मान लिया इंटीग्रेट किया टी का, जब टी माइनस जीरो लिखेंगे टी ही आएगा और ये लिखे वी माइनस यू, तो ए टी इक्वल टू वी माइनस यू और वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब अगर ऐसे दोनों लास्ट मतलब ए और ये ले लोगे तो दूसरा एक्सपेंशन आएगा, और ये लास्ट वाला ले लोगे तीसरा एक्सपेंशन आएगा। हम सबका डेरिवेशन नहीं कराने वाले, बस समझदारी आपके लिए है, तो ये पहले नोट कर लीजिए सब लोग। एक हमने डेरिवेशन कराया, अगर फर्स्ट एंड थर्ड लोगे दूसरा आ जाएगा एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और अगर फर्स्ट और लास्ट ले लोगे तो आएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए। सबको ये पता है यार, अब इसको हम मिटा रहे हैं, लेकिन अब थोड़ी बातें और जो आप बोलेंगे इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। सेकेंड, मोशन विद यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ये सारे फॉर्मूले तब वैलिड हैं, कब बोले ना सर कब वैलिड है, परसों के लिए वैलिड नहीं, ये सारे फॉर्मूले तब वैलिड हैं जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, पहली बात जब एक्सीलरेशन क्या हो कांस्टेंट हो, और दूसरा एक लीनियर पाथ पर मोशन हो, रेक्टिलीनियर मोशन हो, तो रेक्टिलीनियर मोशन हो और आपका ए क्या हो कांस्टेंट हो, तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब ये क्या क्या है, वी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, यू इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, ए आपका एक्सीलरेशन और टी क्या है टाइम, तो किसी टी टाइम पर फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी होगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी होगा, और एस क्या है किसी टी टाइम में चली गई दूरी है, किसी टी टाइम में चली गई दूरी है मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, टी क्या है टाइम, और ए एक्सीलरेशन, टी क्या है टाइम, तो एस क्या है टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट, टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू वी स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब इसी में क्या है कि आपको जैसे इसमें अननोन देखें तो एक दो तीन चार, अरे भाई एक वी नहीं मालूम, यू नहीं मालूम, ए नहीं मालूम, एस नहीं मालूम, तो चार अननोन में से तीन आपको दिया जाए चौथा निकाल लोगे, चार अननोन में से कोई तीन दिया जाए तो चौथा अपने आप निकल जाएगा, कोई इसमें घबराने की बात नहीं, सब रट लेते हो फार्मूले। पहली बात फार्मूला कब एप्लीकेबल है, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट जीरो के लिए भी एप्लीकेबल है, अगर एक्सीलरेशन जीरो हो तो वी इक्वल टू यू हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, ऐसे एक्सीलरेशन जीरो हो तो एस बराबर यू या वी टी हो जाएगा,
ऐसे अगर एक्सेलेरेशन जीरो तो बी इक्वल टू यू हो जाएगा। तो ये जीरो भी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू, पर नॉन जीरो भी तो कॉन्स्टेंट वैल्यू होते हैं। तो ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो और आपका एक लीनियर डायरेक्शन में मोशन हो। अब आपको ये समझना क्या क्या दिया है, क्या पूछा गया है, कौन सा इक्वेशन यूज करें, इसी को न्यूटन्स के तीनों समीकरण कहते हैं। न्यूटन का गति विषयक तीनों समीकरण यही है। फर्स्ट ये v इक्वल यू प्लस ए टी, सेकेंड एस इक्वल यू टी प्लस आर बी टी स्क्वायर, थर्ड वन इक्वल वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। द इक्वेशंस ऑफ मोशन, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, बात समझ में आई। तो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन आपके तीनों, दो बातें फिर से और क्लियर, न्यूटन के इक्वेशन ऑफ मोशन अलग हैं और न्यूटन के इक्वेशन ऑफ सॉरी लॉज ऑफ मोशन अलग है, मोशन के नियम जो हैं वो अलग हैं। न्यूटन के नियम अगर लॉ ऑफ न्यूटन पूछा जाए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आप पढ़े होंगे कि फोर्स वह बाह्य कारक जिसको बल मतलब क्या करता है, जो किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन करने की कोशिश करता है या कर देता है। तो पहला लॉ ऑफ इनर्सिया, सेकंड आपका आया था एफ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और इसका थर्ड आया था एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। तो मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम और एक्शन रिएक्शन लॉ, ये सारी चीजें। तो लॉ अगर पूछता है तो लॉ अलग है और इक्वेशंस अलग हैं, समीकरण अलग है, नियम अलग है, ये ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं। जो क्वेश्चन, अब मान लीजिए कि कभी ऐसा आया कि कोई भी कार इन्हीं से मतलब रेस से स्टार्ट हुई। अब रेस से स्टार्ट होने का मतलब क्या हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो, रेस से स्टार्ट हुई और टी टाइम बाद मान लीजिए वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी प्राप्त कर ली, तो एक्सीलरेशन बताओ। एक समान एक त्वरण से यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से जा रहा है तो एक्सीलरेशन बताओ। भाई इनिशियल वेलोसिटी आपको मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी दे दिया गया कि 5 मीटर पर सेकंड हो गया और 5 सेकंड में हो गया, तो अब यही तो लगाओगे भाई, इसमें लगाओगे डिस्टेंस चेंज नहीं दिया है, इसमें लगाओगे डिस्टेंस ये नहीं दिया है, तो जो दिया है उसके हिसाब से हम यूज करेंगे कि कौन सा फार्मूला हमारे लिए सटीक बैठ रहा है। बात समझ में आ रही? अब थर्ड इसी में ये आपको क्लियर हो गया होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को। थर्ड क्या है, मोशन विद वेरिएबल एक्सीलरेशन। अब मान लीजिए एक्सीलरेशन आ गया 3t, टी इज द टाइम, टी क्या है टाइम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलेशन अगर दिया है 3t। अब इस 3t का क्या मतलब है कि टाइम के, अभी तो भैया हम t इक्वल टू जीरो पर कोई एक्सीलेशन नहीं, t इक्वल टू 1 पर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलेशन होगा, t इक्वल टू 1 पर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलेशन हो गया, और t इक्वल टू 2 पर अगर हम देखें तो एक्सीलेशन कुछ और हो जाएगा। तो ये क्या है, एक्सीलेशन यहां पर कॉन्स्टेंट नहीं है, वेरिएबल बदलता हुआ है, तो वेरिएबल एक्सीलरेशन है। अब अगर एक्सीलरेशन वेरिएबल है तो उस समय आपके पास तीन यही इक्वेशंस होते हैं, a इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी, या इसी को आप अभी बोल सकते हैं a इक्वल टू डी टू एस अपॉन डी टी टू, और v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। ये सारे फॉर्मूले आपके पास हैं। तो जब वेरिएबल होगा तो आपके पास इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, और जब इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये जनरल इक्वेशंस होंगे। तो जब एक्सीलरेशन वेरिएबल हो, बदलता हो टाइम के सापेक्ष, अब इस समय अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, डीबी अपॉन डीटी इक्वल टू 3t। अब यहां से क्या लिख सकते हैं, ये डीबी इधर कर लो और ये क्या हो गया 3t dt, और इधर इंटीग्रल। अब मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी u हो, फाइनल वेलोसिटी v हो जाए, और इनिशियल टाइम t ये। तो अब आप इंटीग्रल लगाएं, कोई डायरेक्ट फार्मूला आपके पास नहीं है, और 3t के बजाय 3t स्क्वायर भी हो सकता था, 3t स्क्वायर भी हो सकता है। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे, v माइनस u इक्वल टू, v क्या है फाइनल वेलोसिटी t टाइम पर, और ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी 0 टाइम पर, और यहां से क्या आएगा 3/2t2। तो इस समय जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, u प्लस 3/2t2।
अरे भाई इसका इंटीग्रल करोगे तो 3/2 टी स्क्वायर 0 टू टी रखोगे वही आएगा। तो अब इसमें जो वेलोसिटी होगा वो u प्लस 3/2 टी स्क्वायर होगा। तो वेरिएबल के लिए हम सब लोग ये प्रोसीजर अपनाएंगे, इंटीग्रल प्रोसीजर अपनाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक लास्ट केस चौथा भी आप करिए। चौथा केस, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। अब मान लीजिए चौथा केस है कि वर्टिकल मोशन है, कोई एक बॉडी वर्टिकली डाउन। अब इसमें ये बात ध्यान रखिए कि अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान, अगर हम डाउनवर्ड को पॉजिटिव माने तो जी क्या होगा भाई? इस समय एक्सीलरेशन जी के बराबर होगा कि नहीं? एक्सीलरेशन जी के बराबर होगा कि नहीं? बशर्ते इसमें ध्यान रखिए कि डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव। अपवर्ड डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट नेगेटिव होगा। अपवर्ड डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इस केस में आपको पता है कि एक्सीलरेशन जी के बराबर होगा, प्लस जी तभी बोल रहे हैं जब हम डाउनवर्ड को क्या माने हैं, पॉजिटिव। तो ये जी का मान, जी क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो एक्सीलरेशन यहां पर आपका कॉन्स्टेंट ही है, कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन वाले सारे फॉर्मूले लगेंगे, बशर्ते वहां पर एक्सीलरेशन का मान जो है वो जी के बराबर हो गया है। एक्सीलरेशन का जो मान है वो किसके बराबर हो गया, जी के। तो v इक्वल टू u प्लस a की जगह क्या हो जाएगा, g। बस a ही g है भाई यहां पर एक्सीलरेशन, और यहां पर h, s की जगह हम हाइट लिख देते हैं। और हाइट ध्यान रखिए नीचे की तरफ पॉजिटिव है, नीचे की तरफ हाइट पॉजिटिव है, ऊपर नहीं, नीचे की तरफ, क्योंकि हमने नीचे पॉजिटिव माना है। तो h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी होना चाहिए, a की जगह क्या हो जाएगा, जी टी स्क्वायर। और ऐसे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 ए एस, और a की जगह g, s की जगह h, a की जगह g और s की जगह क्या हो गया, h। तो अगर वर्टिकल मोशन हो तो ऐसे फॉर्मूले हम लिख सकते हैं। बात वही वही है, बेसिक न्यूटन्स के इक्वेशंस, v इक्वल टू u प्लस ए टी ही है, a की जगह क्या हो गया है, g। अब प्लस लेने का सिर्फ यही सेंस है कि हम नीचे की तरफ ही क्या माने हैं, पॉजिटिव माने। अगर हम ऊपर पॉजिटिव मानते तो जी नीचे होता, तो माइनस जी टी लिखना पड़ता है। बात समझ में आ रही है ना? तो v इक्वल टू u प्लस जी टी, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये कब है, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन। यहां पे आप लिख लीजिए, ज्यादा बेटर होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन, वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन अंडर ग्रेविटी, वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन अंडर ग्रेविटी। क्लियर हो गई। एक और केस करते हैं, पांचवा केस हम लोग खुद अपने से करते हैं। पांचवा केस, मोशन अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। ये ऐसे है कोई बॉडी और इसको हम स्मूथ मान के चल रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, स्मूथ सरफेस, कोई रेजिस्टेंस डेवलप नहीं करेगा, और ये थीटा है, ये एकदम से स्मूथ सरफेस है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम क्या मान रखे हैं, पॉजिटिव। मोशन अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, इसका क्या हेडिंग होगा, मोशन अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, मोशन अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। किसी इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग मोशन। अब यहां पर हम नीचे ही पॉजिटिव माने, एक्चुअल में जो इसका एक्सीलरेशन ग्रेविटी की वजह से होता है वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, जो ग्रेविटी की वजह से एक्सीलरेशन आता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, पर ये इधर तो जा नहीं सकता, इधर तो ये जा नहीं सकता, ये पूरी दीवार है, दबा सकता है इसको, दबाएगा जरूर, ये जान इधर जा सकता है। अब यहां पर इधर आप देखें तो ये थीटा होता है, कई बार बता चुके हैं, ये फ्रिक्शन में पूरा डिटेल में इसको एंगल निकाल, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा और वो थीटा होगा, तो इधर तो जी कॉस थीटा होना चाहिए और इधर क्या होगा, जी साइन थीटा। जी कॉस थीटा क्या करेगा,
जी का कॉस थीटा क्या करेगा, इस प्लेन को दबाने की कोशिश करेगा, और जी साइन थीटा क्या करेगा, जी साइन थीटा इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा। तो इस समय एक्सेलरेशन नीचे जो लाने की कोशिश करेगा वो क्या होगा, जी की जी साइन थीटा, जी साइन थीटा, बस कुछ नहीं। अगर इंक्लाइन बस अर्थ स्मूथ होना चाहिए, स्मूथ नहीं होगा तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ रेजिस्ट करेगा और वो जी मतलब नॉर्मल रिएक्शन पे भी डिपेंड करेगा उस समय नहीं, लेकिन अगर ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है तो जी साइन थीटा इसको नीचे लाने की कोशिश करे, जी साइन थीटा इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा। तो बस आपको फार्मूला वही मिलने वाला, वी इक्वल टू यू प्लस जी के जगह क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा इंटू टी। अब देखिए ये सब फॉर्मूले रटने के योग्य नहीं है, या तो ये रटो कि कब, तो भैया इंक्लाइन प्लेन पे जब स्मूथ सरफेस है तब आपका v इक्वल यू प्लस जी साइन थीटा इंटू टी होता, और कुछ नहीं रटना, बस एक्सीलरेशन की जगह जी साइन थीटा लगा सकते हैं। और देखिए थीटा तो कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तो अगर जी और साइन थीटा दोनों कांस्टेंट हैं तो ये वैल्यू कांस्टेंट होगी, और जब कांस्टेंट होगी तो न्यूटन के फार्मूले लगा सकते हैं भाई, न्यूटन के फार्मूले लगा सकते हैं, बस एक ही जगह क्यों लिए रख दो, v इक्वल यू प्लस जी साइन थीटा इंटू टी। और ऐसे अगर हम एस यहां से कुछ डिस्टेंस एस मान लें तो एस इक्वल टू होगा यू टी प्लस हाफ, एक ही जगह क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। ऐसे अगर हम देखें तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू, एक ही जगह क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा इंटू एस इंटू एस। तो किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पर डिस्प्लेसमेंट अगर एस हो, इस प्लेन पर डिस्प्लेसमेंट ये हाइट नहीं, इस प्लेन पर जीरो से आगे एस डिस्प्लेसमेंट हो, यहां इसी प्लेन के अलोंग सारी चीजें नापी जाएंगी, सारी चीजें किसके अलोंग नापी जाएंगी, प्लेन के अलोंग, तो ए इक्वल जी साइन थीटा रख देंगे और सारी चीज। तो इंक्लाइंड प्लेन पर भी मोशन, मोशन अलोंग इंक्लाइंड प्लेन के लिए ये सारे फार्मूले होंगे, बशर्ते स्मूथ हो, सारे मेजरमेंट डाउनवर्ड हो, सारे मेजरमेंट डाउनवर्ड हो, और एस यहां किसी इनिशियल पोजीशन से नापा गया हो किसी टी टाइम पर। बात समझ आ रही? तो आज के लेक्चर में हम सब लोग रेक्टिलिनियर मोशन में कुछ बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट को जाना, कि कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन पर क्या चीजें अप्लाई होती हैं, कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन पर क्या अप्लाई होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी पर क्या अप्लाई होता है, और मोशन अलोंग इंक्लाइंड प्लेन पर क्या अप्लाई होता है। इसी में हमने ये भी जाना, इसी लेक्चर में हम सब लोग ये भी जाने कि ग्रेव अगर वेरिएबल एक्सीलरेशन हो तब क्या चीजें वैलिड होंगी, इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस हम कराएंगे, हर एक पॉइंट पर आपको समझदारी आएगी, हर एक चीजों को समझाएंगे, डिटेल में सारे लेक्चर्स होंगे। ठीक है, आज हम सब लोगों ने सीखा, मैक्सिमम लोगों तक आप शेयर करें, केसेस हमने सीख लिए हैं, क्वेश्चन इन पर होगा, खूब ढेर सारे क्वेश्चन है, अभी तो डायनेमिक्स स्टार्ट हुआ है, डायनेमिक्स में अभी भी और ढेर सारे पार्ट्स हैं, सबको आंसर लोग करेंगे, बस आप मैक्सिमम लोगों को शेयर करें। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, गिरजेश तिवारी लर्निंग पॉइंट, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर हम इंपॉर्टेंट PDF डालते रहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।